नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आज बात करने जा रहा हूं लेखक भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई कहानी जिसका शीर्षक है चीफ की दावत। इस कहानी में बुजुर्गों की समस्याएं, समाज का दिखावापन और मनुष्य के तर्क वितर्क के बारे में वर्णन किया गया है। साथ ही बुजुर्गों के प्रति सम्मान का भाव रखने और माँ की ममता का परिचय देने हेतु इस कहानी का चयन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। चीफ की दावत मिस्टर सामनाथ के घर पर होने वाली थी, जिस कारण सामनाथ और उनकी श्रीमती अपने घर में मेहमानों के आगमन के लिए सभी प्रकार की तैयारियां करने लगे। साफ सफाई, टेबल कुर्सियां, नैपकिन और फूल की उचित व्यवस्था बरामदे में की गई। साथ ही कमरे की सजावट और ड्रिंक्स की व्यवस्था भी की गई। सामनाथ को इस बात की चिंता हो रही थी कि यदि मेहमान आ जाएंगे तो माँ का क्या होगा, आखिर उन्हें कहाँ छुपाया जाए। दरअसल सामनाथ और उनकी पत्नी को चीफ के सामने उनकी माँ की उपस्थिति अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उनकी माँ जब सोती थी तो जोर जोर से खर्राटे लेती थी। फिर सामनाथ और उनकी पत्नी के मन में विचार आया कि क्यों ना माँ को कमरे में बंद कर दिया जाए और फिर उनकी सहेली के यहाँ भेज दिया जाए। बेटे और बहू के इस तरह के व्यवहार को देख कर माँ उदास हो गई, पर वह इस बारे में अपने बेटे से कुछ नहीं कहती थी। वह सब कुछ सहन कर लेती थी। कभी कभी तो बहू के कारण उनका बेटा अपनी माँ की उपेक्षा भी करता था। आखिरकार समय आ ही गया जब चीफ साहब घर आ ही गए। तभी उनकी माँ को अव्यवस्थित रूप में देखकर सामनाथ को काफी गुस्सा आ गया। चीफ के आते ही सामनाथ की माँ हड़बड़ाकर अपने सिर पर घूंघट रखते हुए खड़ी हो गई और थोड़ा संकोच होकर कांपने लगी। उस दौरान चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तभी चीफ ने माँ को नमस्ते कहा और फिर हाथ मिलाने के लिए कहा, लेकिन माँ घबरा गई। यह देखकर चीफ के साथ आए कुछ स्त्रियां हंस पड़ी। उन्होंने अंग्रेजी में हाउ डू यू डू कहा। दरअसल चीफ को गांव के लोग बहुत पसंद थे। कमरे की सजावट को देखकर उनको अच्छा लगा और यहाँ तक कि फुलकार देने तक कह दिया। इसके बाद चीफ ने माँ से गाना भी सुना और इस कारण वे बहुत खुश हो गए। इन सारी बातों से सामनाथ भी अपनी माँ से बहुत खुश हो गए और कुछ हद तक अपनी माँ के प्रति अपमान की भावना भी मिट गई और चीफ के लिए फुलकारी बनाकर देने के लिए माँ तैयार हो गई। फिर मेहमानों के जाने के बाद सामनाथ झूमते हुए आए और माँ को गले लगा लिया और यह कहते हुए खुशी जाहिर की कि माँ आज तुमने रंग ला दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।